अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम आपको स्टेप कटिंग का कंप्लीट डेमो देने वाले हैं। बहुत सारे स्टेप्स हम इन बालों में डालेंगे जो छोटे से क्यूट से फेस पर बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और हमारे इन छोटे से क्लाइंट के बालों का टेक्सचर आप देख लें, कलरफुल बाल हैं, बहुत ही प्यारे से लेकिन स्ट्रेट बाल हैं, ठीक है। इसकी सेटिंग भी मैं आपको बताने वाली हूँ और इसमें आपने इतने ज़्यादा स्टेप्स को कैसे क्रिएट करना है वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले फ्रंट से एक हम लोगों ने सेक्शन लिया है, गाइडलाइन ली है, और इस सेक्शन को आपने पॉइंट कटिंग के साथ जो है वो बिल्कुल इक्वल करना है, यानी स्ट्रेट करना है, ठीक है। उसके साथ ही आपने थोड़े से और बालों को मिलाने हैं। अब आपने पूरा यानी कि अपने फेस का एक फ्रेम बना लेना है। अच्छा, यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि हमें साइड पे खड़े होकर कटिंग करना होता है क्योंकि सामने से वीडियो बन रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये कट जब आपने इस तरह से करना होता है ना पॉइंट में, तो आपकी सीजर सही से तब चलती है जब आप अपने क्लाइंट के बिल्कुल सामने खड़े होते हो, ठीक है। अब ये देखिए, स्टेप बाई स्टेप आपने इस तरह ही अपने फेस के इर्द गिर्द एक फ्रेम बना लेना लेयर का, ठीक है। अब आपने ईयर टू ईयर अपने बालों को सेपरेट करना है और एक सेक्शन आपने उठाना है वर्टिकल में और उस सेक्शन को ऊपर लेकर जाना है आपने 90 एंगल पे, और 90 एंगल से थोड़ा सा आगे की तरफ रख के आपने इसको जो है वो एक स्ट्रेट कट करना है, ठीक है। और ये आपकी होने वाली है गाइडलाइन। अब आपकी पूरा जो आपके मतलब के फ्रंट का क्राउन के लेफ्ट राइट साइड के जितने सेक्शन हैं सब इसी एंगल पर लाकर कट होंगे। और जब हमारी फ्रंट की सेटिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम बैक पर भी सेक्शन इस तरह से डायगोनल में बनाएंगे और हम ऊपर 180 एंगल पर बालों को लेकर जाएंगे और फ्रंट वाले जो बाल जो हमने कट किए हुए हैं उसी में से ही एक गाइडलाइन लेकर उसके बराबर आपने इसको कट करना। और बैक पर तकरीबन जितने भी सेक्शन यानी कि बाल अगर जो ज़्यादा थिक हुए तो सेक्शन ज़्यादा भी बन सकते हैं, और अगर लाइट हुए तो मेरे ख्याल है जिस तरह के इनके बालों का टेक्स्चर है उसमें हम 5 सेक्शंस में जो है ना 5 डायगोनल सेक्शंस में इस पूरा बैक का जो कट है उसको कंप्लीट करेंगे।
और हमारा 180 एंगल का ये हेयर कट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने डायगोनल में अपने सेक्शंस को जो है वो उठा के एक प्रॉपर इनमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स और वॉल्यूम क्रिएट किया है। अगर इसमें मज़ीद आप वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको उसकी भी टेक्निक आगे बताने वाले हैं। अगर आपके पास 22 नंबर का रॉड है तो आप उसकी मदद से बालों को जो है वो ऊपर की तरफ रख के एजेस को अच्छे से दबा के कर्ल करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको वॉल्यूम नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बालों में। और अगर आप चाहो तो आगे ईद आ रही है, ईद पे भी इस स्टाइलिंग को आप कर सकते हो, ठीक है। आगे जो सीज़न के डेज होंगे किसी फंक्शंस इवेंट के लिए, अगर आप इस स्टाइलिंग को करोगे तब भी ये स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और जो हमारे फ्रंट वाले बाल हैं, ठीक है, वहाँ पर आपने जैसे कि हमने थोड़ा लेंथ छोटी रखी है तो उसको उसी डायरेक्शन के मुताबिक ही अपने रॉड के साथ आपने सेटिंग करनी है जिस डायरेक्शन में आपने कटिंग किया था। और एजेस को आपने दबा के हल्का सा घुमा के जब छोड़ना है तो कमाल के आपके जो है वो हेयर स्टाइलिंग के रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और अब इस बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही मेहनत की जाने वाली वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।